हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नर्मदा नीर को लेकर 30वें दिन धरना जारी, प्रशासन व समिति के बीच वार्ता विफल। भीरमाल नगर को पेयजल संकट से निजात दिलाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नर्मदा परियोजना ईआर प्रोजेक्ट का कार्य दिसंबर 2021 तक पूर्ण करवाने की मांग को लेकर गठित नर्मदा संघर्ष समिति द्वारा स्थानीय उपखंड कार्यालय के समक्ष आयोजित अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और पीएम व सीएम के नाम संचालित हस्ताक्षर अभियान के 30वें दिन मंगलवार को ओट सिंह राव, धन सिंह राठौड़, सुरेश बोरा, मेसाराम देवासी व कालू सिंह घाची अनशन पर रहे। दोपहर बाद क्षेत्रीय घाची समाज भीनमाल द्वारा पार्षद जयंती लाल घाची, भावना देवी घाची, दीपा राम घाची, भाजपा नेता महादेवा राम घाची, पारस घाची व दिनेश भाटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में रैली के रूप में घाची समाज के लोग एसडीएम कार्यालय के समक्ष धरना स्थल पहुँचे। यहाँ धरने में भाग लेकर समिति द्वारा संचालित आंदोलन का समर्थन करते हुए समाज की तरफ से पूर्ण सहयोग का विश्वास दिलाया। इसके बाद एसडीएम कार्यालय पहुँचे, यहाँ तहसीलदार राम सिंह राव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राजनीतिक व प्रशासनिक उदासीनता की वजह से नर्मदा परियोजना ईआर प्रोजेक्ट का कार्य करीब 5 वर्ष पीछे चल रहा है। वर्तमान कार्य की स्थिति व राज्य सरकार द्वारा बजट आवंटन में कंजूसी के चलते वर्ष 2025 तक भीनमाल वासियों को नर्मदा का पानी मिलना मुश्किल लग रहा है। ज्ञापन में बताया कि भीनमाल विधानसभा क्षेत्र को क्रॉस कर जालौर व आहौर विधानसभा क्षेत्र तक पानी की आपूर्ति हो रही है। इस प्रकार सरकार द्वारा भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के साथ पेयजल को लेकर चौतेला व्यवहार व अन्याय किया जा रहा है। वर्तमान में भीनमाल नगर सहित विधानसभा क्षेत्र में पेयजल का भारी संकट बना हुआ है। इस कारण प्रशासन व क्षेत्र जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध आम जन में भारी आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में दिसंबर 2021 तक पानी उपलब्ध करवाने की मांग की गई, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर वासुदेव रत्नाराम, मूलाराम, वीराराम, विक्रम घाची, बाबूलाल, रमेश कुमार, नगाराम, प्रभुराम, हीरालाल, युगल किशोर, वचनाराम, रणछोड़ा राम, पारसमल, सावलाराम, नीतू कुमारी, वक्ताराम, कस्तूराम, जेमताराम, बगदाराम, जवाराम, बाबूलाल, भवरलाल, पुन्मा राम, कस्तूरी देवी, प्यारा राम, भागो देवी, डाया राम, पुष्पा देवी, सुरेखा, ममता, रमिला, जोशना, ममता चौहान, गीता देवी व भवरी देवी सहित बड़ी संख्या में घाची समाज के लोग मौजूद थे। आंदोलन के तहत बुधवार को ग्राम पंचायत कौरा द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रशासन व समिति सदस्यों के बीच वार्ता विफल। आंदोलन के करीब 1.5 माह बाद उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी, नर्मदा विभाग के अधीक्षण अभियंता कांतिलाल कांत, अधिशासी अभियंता हरिराम चौधरी व कनिष्ठ अभियंता अभिमन्यु कुमार समिति के सदस्यों से वार्ता के लिए धरना स्थल पहुँचे। इनके द्वारा वर्तमान कार्य प्रगति से अवगत करवाते हुए आगामी 6 से 10 माह में कार्य पूर्ण होने का विश्वास दिलाया। अधीक्षण अभियंता कांतिलाल कांत ने कार्य की रफ्तार को बढ़ाने का विश्वास दिलाते हुए 6 माह में पानी उपलब्ध करवाने की बात कहते हुए धरना समाप्त करने की बात कही, लेकिन समिति के सदस्यों ने एक स्वर में 31 दिसंबर 2021 तक पानी उपलब्ध करवाने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन को जारी रखने व अगली कड़ी बड़ा रूप प्रदान करने की चेतावनी दी। इस अवसर पर समिति के सदस्य शेखर व्यास, मोहन सिंह सिसोदिया, दिनेश दवे नवीन, श्रवण सिंह राव, भरत सिंह भुजानी, शैतान सिंह भाटी, जबरा राम भाटी, मोहन लाल परिहार, अधिवक्ता बालू राम चौधरी, सतीश सेन, अशोक सिंह उपावत, रामलाल राजपुरोहित, जोर सिंह देवड़ा, सुरेश मीडिया, कपूरा राम माली, पार्षद प्रवीण एम दवे, सावला राम परिहार, पृथ्वीराज फुलवारिया व मांगीलाल गहलोत सहित बड़ी संख्या में समिति के सदस्य मौजूद थे। भीनमाल शहर में 12 में से 9 बच्चे जलाशय निर्माण के लिए नपा ने दी भूमि आवंटन की सहमति। नर्मदा परियोजना ईआर प्रोजेक्ट के तहत भीनमाल शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए 12 उच्च जलाशय का निर्माण जलदाय विभाग के मार्फत प्रस्तावित है, लेकिन उच्च जलाशय निर्माण के लिए नगर पालिका द्वारा भूमि का चिन्हीकरण व आवंटन नहीं करने की वजह से अध्ययन कार्य की प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई थी। इस संबंध में जलदाय विभाग द्वारा पत्र व्यवहार भी किया गया था, लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया था। धरना प्रदर्शन के बाद नपा अध्यक्ष विमला सुरेश बोरा व अधिशासी अधिकारी आशुतोष आचार्य ने सोमवार को 12 में से 9 बच्चे जलाशय
जगजीवन राम कॉलोनी आदर्श नगर फाफरिया हनुमान जी मंदिर के पास नट बस्ती नीलकंठ महादेव मंदिर के पीछे एसडीएम कार्यालय परिसर श्री गुरु शांति नगर परिसर रामसीन रोड पूना सा मार्ग व जसवंतपुरा मार्ग पर स्थित अशोक नगर में उच्च जलाशय निर्माण के लिए भूमि आवंटन के लिए सहमति प्रदान की गई। 14 बीच आई 1 व 2 एसडीएम कार्यालय के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठे सदस्य व ज्ञापन सौंपते घाची समाज के लोग। जागरूक टीवी की भीनमाल से परबत सिंह राव की रिपोर्ट।